हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के हमने कुछ लेक्चर्स में टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को देखा था, साथ में आरएम रिसर्च मेथोडोलॉजी और डेटा इंटरप्रिटेशंस के काफ़ी लेक्चर्स हम देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो मैंने आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो लेक्चर्स बताए थे जिनको हम कम्प्लीट करने जा रहे हैं, उसमें से एक टॉपिक जो कि यूजीसी के बारे में यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यूजीसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हर बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम टोटली यूजीसी के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजीसी के जो डिफरेंट जो हेडक्वार्टर्स हैं उसके उनका एक्चुअली में वर्क कितना है, कितने स्टेट्स किस हेडक्वार्टर मतलब रीजनल ऑफिस में आते हैं, ये भी हम चेकआउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर्स को हम केवल यूजीसी तक ही सीमित रखेंगे और यूजीसी किस तरह की बॉडी है, किस तरह से फॉर्म हुई थी ये पास्ट में, और कॉलेज के ऊपर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के ऊपर इसका कितना कितना कंट्रोल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम आज के इस लेक्चर में इसको देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसा कि हम लोगों को पता है यूजीसी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुना है, देखा है, जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट के नाम से फेमस है। तो ये एक तरह की स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी क्या होता है मैं आपको जीएस के जो लेक्चर्स होंगे उसमें बताता हूँ, फिर भी इसका एक थोड़ा सा हम एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टैचुरी बॉडी जो होती है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, और बनाई जाती है मतलब इसका एक पार्लियामेंट में एक लॉ पास होता है, और पार्लियामेंट में लॉ पास होने के बाद ये इस तरह की बॉडीज को फॉर्म किया जाता है। तो इसमें एक ये यूजीसी जो बॉडी है एक तरह की स्टैचुरी बॉडी है, और स्टैचुरी बॉडी जो बनती है पार्लियामेंट में उसका लॉ पास होता है। तो उसी तरह से यूजीसी को जब बनाने से पहले इसका एक लॉ पास हुआ था पार्लियामेंट में, और ये जो है सेटअप की गई है इंडियन यूनियन गवर्नमेंट द्वारा यानी भारतीय सरकार द्वारा इसे निर्मित किया गया है, और ये जो अपना कार्य करती है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी एक्ट 1956 जो कि 1956 में इसका लॉ पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करती है, कार्य करती है। तो इसका कार्य का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि पहले यूजीसी जो हमारा एग्ज़ाम होता था वो नेट का वो यूजीसी द्वारा ही कंडक्ट किया जाता था, बट धीरे धीरे ये जो इसके पास इतने सारे वर्क आ गए कि इसका इतना वर्क लोड बढ़ गया, धीरे धीरे इसका जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई द्वारा किया जाने लग गया। हाँ, सीबीएसई का जो काम है केवल एग्जाम कराने का है, और उसमें उसके बाद जो रिजल्ट अनाउंसमेंट करने का उसका है, बट बाद में जो इसके जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बाकी का जो कार्य होता है नेट का वो यूजीसी द्वारा किया जाता है। अब यूजीसी की बात करें तो यूजीसी का वर्क क्या है, तो इट्स प्रोवाइड द रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी ये यूनिवर्सिटीज का जैसे बहुत से कॉलेजेस हैं, अब कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहिए, तो ये जो दर्जा होता है यूनिवर्सिटीज का ये यूजीसी द्वारा दिया जाता है भारत के अंदर। तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर भी काफ़ी तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले अपने जो हमने जो सब्जेक्ट देखे थे हायर एजुकेशन में, जैसे कि डिफरेंट तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया के अंदर जो वर्क करती हैं। तो उसी तरह से अभी यूनिवर्सिटी का एक तरह से यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन कैसे मिलता है, उसका एक पूरा का पूरा अपना खुद का प्रोसेस है, और हर स्टेट में अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब वो प्रोसेस किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हर यूनिवर्सिटी को, वो उसका एक अपना खुद का यूजीसी की खुद के नॉर्म्स हैं, और उस डायरेक्शन और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को वर्क करना पड़ता है। देन ये जो यूजीसी है वो डिस्पर्स करती है फंड्स टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, यानी यूनिवर्सिटीज को जो और कॉलेज को जो ग्रांट मिलता है यानी मनी मिलता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, वो फंड जो होता है ये यूजीसी ही उसको डिस्पर्स करती है, और ये जो फंड होता है वो एलोकेट होता है डिफरेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जैसे यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगा उसका फंड डिफरेंट होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी का फंड अलग होगा, उसी तरह से कॉलेजेस का जो फंड होगा वो अलग होगा। तो ये जो यूजीसी का जो वर्क है उसका एक और वर्क है जो कि फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को। इसके साथ इसके खुद के साथ यूजीसी रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि हैं पुणे में, बेंगलोर में, भोपाल,
कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और दिल्ली। तो इन रीजनल ऑफिसेस के कार्य जो होता है उनका खुद के कुछ काफी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसा कि भोपाल जो है ये सेंट्रल इंडिया को देखता है, सेंट्रल इंडिया के अंदर इसका काम है, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर, साथ में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो आसपास के जो एरिया जो स्टेट्स हैं उनके अंदर ये वर्क देखता है। तो उसी तरह से महाराष्ट्र के लिए पुणे है, तो भोपाल का जो वर्क है आसपास के अपने स्टेट्स में आता है। अब इन रीजनल ऑफिस, कौन कौन सा रीजनल ऑफिस किस किस स्टेट में वर्क करता है, ये हम लास्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको फिर बताता हूँ जो हमारे सात रीजनल ऑफिस है, क्योंकि इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन से ये रीजनल ऑफिस है या नहीं है, तो इसके बारे में हमें ध्यान रहना चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से रीजनल ऑफिस है, एक बार फिर से देखें, पुणे, बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और दिल्ली। दिल्ली में जैसे जनरली 6 हेडक्वार्टर्स लिखे हैं हर जगह, बट दिल्ली को भी एक हेडक्वार्टर्स, एक तरह से रीजनल ऑफिस माना जाता है, मतलब रीजनल ऑफिस को बोला जाए। तो हेडक्वार्टर तो इसका दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। तो लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि इसके कितने रीजनल ऑफिस हैं। इसके जो रीजनल ऑफिस हैं उनकी संख्या जो है वो 7 है, पर काफी जगह 6 भी लिखी है, क्योंकि दिल्ली को एज अ वो हेडक्वार्टर ट्रीट करते हैं। तो दिल्ली भी जो है एक रीजनल ऑफिस भी है और साथ में हेडक्वार्टर भी है। अब इसका जो मोटो है वो मोटो है, यानी मोटो का मतलब होता है, इसका जो टैग लाइन है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्त है, यानी नॉलेज लिबरेट्स। ये प्लीज इसको जरा देख के रखिएगा, क्योंकि ये इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि यूजीसी का एग्जाम है। तो यूजीसी के बारे में जो आपका पेपर नंबर 1 में है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड इसके मोटो के बारे में पूछा जाता है। तो इसका मोटो है, मोटो मतलब टैगलाइन है, ज्ञान विज्ञान विमुक्त है, नॉलेज लिबरेट्स। और इस समय इसकी जो चेयरमैन है वो है वीएस चौहान जी, अभी है वीएस चौहान जी, हाँ अभी है, बट इसके बाद हो सकता है कोई और आ जाए, बट इसके बाद भी आपका जो नाम है आप इसको अपडेट करते रहिएगा। आज मैं लेक्चर बना रहा हूँ, कोई हो सकता है इस लेक्चर को एक साल बाद देखे तो उसके अंदर वो कमेंट्स करेगा। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, आज जैसे डेट हमारी है, मैं इसको इस लेक्चर को 26 अगस्त 2017 को अपलोड कर रहा हूँ, तो 26 अगस्त 2017 तक जो इनके चेयरमैन है वी एस चौहान थे, ठीक है। उसके बाद कौन होगा वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूजीसी के रिगार्डिंग, मैं आपको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यूजीसी जो है एक तरह की स्टैचुरी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी मैंने आपको बताया, स्टैचुरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनका लॉ इंडियन पार्लियामेंट में पास होता है। तो इसी तरह से ये जो लॉ पास होता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पास होता है, और इंडिया में जो ये लॉ बना था तो एक तरह से यूजीसी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग यूजीसी अपना वर्क करता है। इसका कार्य क्षेत्र कितना होना चाहिए, कितना वर्क इसको करना है, तो ये सारा का सारा इसके पूरे कार्य क्षेत्र के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है यूजीसी एक्ट 1956 में दे रखी है। उसी तरह से यूजीसी प्रोवाइड्स द रिकॉग्निशंस टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो भारत के अंदर यूनिवर्सिटीज का दर्जा जो जिसको चाहिए होता है वो यूजीसी के पास जाता है, और वो उसी तरह से उसको यूनिवर्सिटी का एक तरह से रिकॉग्निशन देता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को फंड एलोकेट करता है। ये फंड जो होता है हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी का जो फंड होता है वो डिफरेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, साथ में इसके अंदर साथ में कुछ ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं। अब 7 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज के अंदर पुणे है, बेंगलोर है, भोपाल है, कोलकाता है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है और दिल्ली है। तो ये 7 रीजनल ऑफिसेस हैं। इसके अलावा इसका एक हेडक्वार्टर भी है जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसका मोटो यानी टैगलाइन है इसकी ज्ञान विज्ञान विमुक्त यानी नॉलेज लिबरेट्स, और इनके प्रेजेंट के जो चेयरमैन है वी एस चौहान जी हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने केवल यूजीसी के डिफरेंट डिफरेंट जो इसके कार्य क्षेत्र के बारे में देखा, साथ में इसके ये किस तरह से वर्क करती है इसके बारे में बहुत ब्रीफ वीडियो है। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा अगर परेशानी होती है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में काफी सारी यूजीसी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो था आज के लेक्चर्स के बारे में, काफी स्टूडेंट्स ने मेरे को मेल किया है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने हायर एजुकेशन टीचिंग एटीट्यूड और RM के तो मैं काफी लेक्चर्स क्रिएट कर चुका हूँ, और ICT पार्ट और बाकी जितने भी GS के पार्ट और पीपल एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी और टॉपिक्स
रह गए हैं हमारे, उनको मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। और काफी स्टूडेंट्स मेरे को पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए। देखिए सर स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई ऐसा पीडीएफ मैं क्रिएट मैंने नहीं किया है किसी भी तरह का। हाँ, मैं बहुत जल्दी उनको पीडीएफ को क्रिएट करूंगा और मैं अपनी खुद की, हम लोग अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाना ना पड़े, बल्कि आपको एक ही जगह पे पूरी रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए, जिससे आप पूरी काफी आप अपनी जानकारी उससे अर्जित कर सकें। तो यूनिवर्सिटीज जैसे कि यूजीसी की क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए, डे टू डे मैं डेली अपडेट करूंगा वेबसाइट्स को। तो वेबसाइट बहुत जल्दी हम बनाने वाले हैं, बट हो सकता है कि इस बार इस सेशन में ना हो पाए काम, तो इस सेशन में केवल हम अपने केवल लेक्चर तक ही सीमित रह पाएंगे। और पेपर टू और पेपर थ्री के बारे में भी बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला है मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसा कि कंप्यूटर साइंस की मेरे पास डिमांड आ रही है, ज्योग्राफी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के बारे में काफी लोगों ने बोला है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बोला है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, बट मैं आपको फिर भी ये बोलूंगा कि आप अपनी भी सेल्फ स्टडी करते जाइए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, किसी के ऊपर डिपेंड ना बन के रहें, बल्कि इवन मेरे पास जो मेरे लेक्चर्स हैं इनके ऊपर भी डिपेंड ना बन के रहें। तो आप जितना भी आप अपनी मेहनत कर सकते हैं करिए, और प्लीज़ किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर या फिर टेंशन क्रिएट ना करें अपने लिए, क्योंकि आप कोई बहुत से लोग एग्ज़ाम से पहले इतना टेंशन ले लेते हैं अपने ऊपर कि आप एग्ज़ाम में इतना डर जाते हैं कि बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप प्लीज़ इस तरह की कोई भी गतिविधि को ना करें, आप अपने सेल्फ मोटिवेट होइए, सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि सेल्फ से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। और फ्रेंड्स अगर आपके हैं तो फ्रेंड सर्कल के साथ बात करिए, कैसे तैयारी करनी है उनसे डिस्कस करिए, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं आएगी। बट और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com पर मुझसे लिख के बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैं काफ़ी लोगों को मेरा मेल आते हैं, बहुतों ने बोला कि सर आप हमें जवाब नहीं देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर भी एक दिन के अंदर 30 से 40 लोगों को जवाब देता हूँ, बट काफ़ी लोगों के मेल इतने आते हैं, बट मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कर सकूँ। और मैं फिर भी आपको वो पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी मेलों के जवाब मैं आपको जल्दी से जल्दी पहुँचा दूँ, ठीक है? आपको इसमें कोई भी घबराने की भी बात नहीं आप लोगों के लिए। और आप अपने जो UGC नेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्लीज़ फिलअप कर दीजिएगा। काफ़ी लास्ट डेट तो अभी काफ़ी बची है, 10 दिन 12 अभी 15 दिन के आसपास है, बट प्लीज़ स्टूडेंट्स लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि सर्वर काफ़ी बार बिजी हो जाता है UGC नेट का, तो उस समय हो सकता है आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए वंचित हो जाएं, क्योंकि फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो कैसे दे पाएंगे। और अगर आपको हमारे लिए कोई सुझाव है, सजेशन है, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर मुझे लिखकर मुझे बताएं। और आप अगर कोशिश हो सकता है तो इसके लेक्चर्स के बारे में, यूट्यूब के चैनल के बारे में आप थोड़ा बताएं दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिससे कि हमारा भी थोड़ा प्रमोशन हो, क्योंकि मैं किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इवन हमारी टीम नहीं कर रही, हम केवल आपकी लेक्चर्स पर ही डिवोट हो रहे हैं, क्योंकि एक लेक्चर्स को बनाने के लिए हमको काफ़ी टाइम लग जाता है। इवन कभी कभार किसी एक लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए हमको 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, पेशेंस लिए आप, और किसी भी तरह के काफ़ी लोग मेरे को नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, इवन बहुत से लोग तो गाली गलौज पर भी आ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी स्टूडेंट किसी इस तरह के आदमी को गाली देनी चाहिए तो आप दे सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, बट फिर भी आपकी अपनी गरिमा को बनाए रखिए, क्योंकि ये जो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम कर रहे हैं बहुत टफ है इस तरह का काम करने का, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कार्य पे जुड़े हुए हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, बट फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप कोशिश हो सकता है अगर आप जितना हमें प्रमोट करेंगे आप हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए तो और अच्छा ही होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।